सो इस टाइम आप आए जी पटियाला यूनिवर्सिटी के सामने। हैलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो की हाल चाल है जी सारे का। मैं थोड़ा अपना के वी सिद्धू, तो मेरे नाल है सीरत। तो अज साडे नाल कोई होर भी हैगा, मम्मी। तो अज साडे नाल है प्रभ। मम्मा पता नहीं की सोची जा रहे हैं। मम्मा क्या सोच रहे हो? तो अज असी आ जी पटियाले। तो वैसे तो कहिंदे भी पटियाला एक रॉयल सिटी है, तो वाक है भी रॉयल सिटी है। तो मैं करदा पिया ड्राइव, तो हूँ आप जा रहे हैं जी इतों सरहंद फतेहगढ़ साहब गुरद्वारा वेखन चले हैं जी। सब तो पहला तो सारयां नूं बेनती है जी, नवा ब्लॉग किवें लगा लाइक कमेंट जरूर कराया करो, शेयर कराया करो, चैनल सबसक्राइब कराया करो, तां कि सानू थोड़ा हौसला जिहड़ा ना वो मिलता रहे। सो इस टाइम है गए जी आपां पटियाला अर्बन स्टेट फेज़ टू। तो हुण आपां इत्थों जा रहे हां आपां सरहंद वाली साइड नूं। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा वा, ठीक है। सो इस टाइम आप आए जी पटियाला यूनिवर्सिटी के सामने। तो पहला सोचा ही यूनिवर्सिटी चलते आप, बट यूनिवर्सिटी का थोड़ा जहा टफ सीगा काम। मैं लेट होंदे पे ही, मैं यार यूनिवर्सिटी काफ़ी वड्डी आ, तो फिर सानू घूमद टाइम लग जाना। मतलब इन्नी भी वड्डी नहीं, वैसे साड़ी अमृतसर वाली यूनिवर्सिटी ज़्यादा वड्डी है, पर यह भी काफ़ी वधिया वा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो हुण आपां इत्थों फ्लाईओवर के उपरों की लंघ जाना, वैसे यूनिवर्सिटी थले आ, तो उत्थे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उधरों दी नहीं जाना आपां क्योंकि ट्रैफिक च बंदा फस जांदा। तो वैसे भी थोड़ा मौसम जहा चेंज होया पिया, अज धुंद जी हुई पई आ हुण, पता नहीं धुंद आ कि जां धुआं आ, आई थिंक पोल्यूशन है मेरे ख्याल नाल, कुछ समझ ही नहीं आ रही। इत्थों एक गुरद्वारा साहब आ, हुणे ही मैं देखिया सीगा रस्ते जांदिआं, वह बहुत वधिया लगा मैनूं। आई थिंक एक तरह का किला जिहा बणिआ होइआ पूरा, वो चारे पासे उहदे मेरे ख्याल ना मैनू छेवें पातशाह का गुरद्वारा वा। बट सारे ने डिसाइड किया कि आप सरहंद फतेहगढ़ साहब देख के जाना वा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तो इस टाइम आ गए आप गुरद्वारा साहब, गुरद्वारा ज्योति स्वरूप। तो ये दर्शन करने तो बाद आप दूजे गुरद्वारा साहब जावांगे, जिथे बच्चों की शहीदी हुई। फिलहाल आप इतने आ गए हैं, तो साडे नाल सारे है। काफ़ी वैसे सानू लभण च थोड़ी जी तकलीफ होगी क्योंकि शहर के विच पैंदा है, देखो शहर के बिल्कुल विचों विच है। सो आप अंदर जाने थोड़ी वीडियो शूट करांगे, बाकी आप वॉइस ओवर करके गल्लां बातां करांगे। इस टाइम तुसी दर्शन कर रहे हो गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब। गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब श्री फतेहगढ़ साहिब के पावन अस्थानां विच्चों एक अस्थान है। ये वो अस्थान है जिथे श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के सत्कारयोग माता माता गुजर कौर जी अते छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी दे पवित्र शरीरां दा अंतिम संस्कार सन 1704 ईस्वी विच कीता गया सी। जालम मुगल हकूमत दे उस वेले दे सरहंद दे सूबेदार वजीर खान दे डर कारण चार सफेरे दे जमीन मालकां ने गुरु साहिब दे परिवार दे मैंबरां दे अंतिम संस्कार लई जमीन तक देन तो ना कर दिती गई सी। उस वेले दीवान टोडरमल जी ने बहुत वड्डी कीमत अदा करके एक छोटा जिहा जमीन दा टुकड़ा सोने दियां मोहरां नूं खड़ियां करके मुल खरीदिया अते माता जी अते छोटे साहबजादियां दे संसरीरां दा अंतिम संस्कार करन दा प्रबंध कीता। ये अस्थान अज भी दुनिया दा सब तो महंगा अस्थान करके जाणिया जांदा है।
जिस अस्थान ते साहिबजादा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी दे अते माता जी दे अंतिम संस्कार कीते गए, आज उस अस्थान ते पालकी साहिब सुशोभित है। हर साल दिसंबर महीने विच 11, 12 अते 13 पोह नूं शहीदां दी याद विच सालाना जोड़ मेला भी इस अस्थान ते लगाया जांदा है। सो उस तों बाद असीं जावांगे गुरद्वारा फतेहगढ़ साहिब, जिथे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी नूं वजीर खान वालों नीहां विच चिणवा के कतल कर दिता गया अते शहीद कर दिता गया सी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हुण आपां आ गए जी गुरद्वारा फतेहगढ़ साहिब, ते इत्थे आपां तुहानूं दर्शन करावांगे। सो फिलहाल आपां एंट्रेंस ते एंट्री करन लगे हां। गुरद्वारा साहिब दे इतिहास नाल भी तुहानूं जोड़ांगे, कुछ तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां करदे हां। सो ब्लॉग नाल जुड़े रहो। सो हुण असीं दर्शन करन जावांगे जी गुरद्वारा फतेहगढ़ साहिब दे, जिस स्थान ते बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी नूं नीहां विच चिणवा के सूबा सरहंद वालों शहीद कर दिता गया सी। गुरद्वारा फतेहगढ़ साहिब वो स्थान है जिस स्थान ते सरसा नदी दे विछोड़ा पैन तों बाद माता गुजर कौर अते दो छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह अते बाबा जोरावर दोनों नूं इस जगह ते लिया करके कैद कर लिया गया अते सूबा सरहंद वजीर खान दे आदेश ते उन्हां नूं इस्लाम कबूल ना करन दे जुल्म विच सज़ा दित्ती गई अते सज़ा इह छोटे छोटे साहिबजादियां नूं जिंदा नीहां विच चिणवा के कतल करन दा आदेश सूबा सरहंद वालों दिता गया। इह स्थान पटियाला शहर तो 40 किलोमीटर उत्तर अते पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के 42 किलोमीटर पछम विच स्थित है। इस स्थान ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह नूं जदों सूबे सरहंद की कचहरी विच पेश कीता गया ते छोटे छोटे साहिबजादियां ने सूबे दे कहन ते डराउन धमकाउन ते भी इस्लाम ना कबूलिया तां छोटे छोटे साहिबजादियां नूं वजीर खान वल्लों नीहां विच चिणवा के कतल करन दा आदेश दिता गया। ये जो स्थान तुसीं दर्शन कर रहे हो, ये स्थान ते ही अज भोरा साहिब भी स्थित है। ये भोरा साहिब के दर्शन आप संगतां कर रही ने। सो इस स्थान ते गुरु साहिब दे साहिबजादियां नूं शहीद कर दिता गया। नीहां विच चिणवाउण तों बाद जदों बच्चे शहीद हो गए ते सूबे दा दिल ना भरिया तां उसने फिर आदेश दिता कि इन्हां दे आखरी साह तक कढ लए जाण ते इन्हां दे गले दे उपर फिर कटार नाल वार करवा के छोटे साहिबजादियां नूं एक एक साह तक शहीद किया गया। तुसीं दर्शन कर रहे हो हुक्मनामा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस भोरे विच पालकी साहिब स्थित है ते माता गुजर कौर जी नूं जदों इस गल दा पता लगा कि छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणवाउण दा आदेश दिता है तां माता जी अपनी परमात्मा भगती विच लीन हो गए अते नाल ही इस दुनिया तों चोला छड गए सन। इह उह पवित्र स्थान है जिथे गुरु साहिब जी दे छोटे साहिबजादे शहीद होए सन। ये गुरद्वारा साहिब अज
उस जगह ते सुशोभित है। ते हुण असी जा रहे हां जी गुरद्वारा ठंडा बुरज, जिस जगह ते जदों छोटे बच्चियां नू गंगू ने मुसलमान यानी कि उस टाइम दे जिहड़े मुगल राज सन, मुगल राज दे सुल्तान दे हवाले करवा दिता सी धोखे नाल। सो इस टाइम उन्हां नू उस वेले माता जी अते छोटे छोटे बच्चियां नू इस जगह जिसनू ठंडा बुरज दा नाम दिता गया है रख्या गया सी, क्योंकि इस स्थान ते अज भी जे गल करिए ते अज दे दिनां विच जदों छोटे साहिबजादे इस जगह ते कैद करके रखे हुए सन, माता जी नू इस जगह ते रख्या सी, तां बहुत ही ज़्यादा अत दी जड़ी ठंड है वह इस स्थान ते पैंदी है, इस करके इस स्थान नू ठंडे बुरज दा नाम दिता गया है। माता गुजर कौर अते साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह अते फतेह सिंह दी शहादत तो बाद वजीर खान दे डर करके जमीन दे मालकां ने उन्हां दे संस्कार करन वास्ते जगह देन तो इनकार कर दिता सी। तां उस वेले दे दीवान टोडरमल जी ने अज भी दुनिया की सब तो महंगी जमीन जो कि इस टाइम ज्योति स्वरूप साहिब गुरद्वारा सुशोभित है उस जगह पर सोने दियां मोहरां खड़े रुख रख के उस जमीन का मुल पाया सी, उस जमीन का मुल पा के माता जी अते साहिबजादियां दे अंतिम संस्कार किए सन। ये स्थान अज भी सब तो ठंडा स्थान है क्योंकि ये शहर की एक चोटी ते स्थित है। सो उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इस क्रूरता का बदला लैन वास्ते सरहंद के उपर हमला किया, वजीर खान ते उसकी सेना नू हरा के उन्हां नू बंदी बना के सज़ा दित्ती। ते इस सारे स्थान उपर नतमस्तक होए। सो अज इस जगह ते SGPC श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरद्वारा साहब सुशोभित ने। सो शहर विच गुरद्वारा साहब दे नाल नाल होर भी इतिहासिक जगावां ने जिथे सिख अते सिख धर्म नाल जुड़े हुए चिन्ह अज भी मिलते ने। सो ये ठंडा बुरज जिथे माता जी अते साहिबजादियां नू बंदी बना के रख्या होया सी। सो इन्नियां जानकारियां तुहाडे नाल सांझियां करदे हां। सो आग्या दो जी, सो हुण साहिबजादियां दे जोड़ मेले भी चल रहे ने, संगतां नित नतमस्तक हो रहीआं ने। सो रात काफ़ी हो गई है तो हूँ साढ़े ब्लॉग का इतने एंड आ। सो कोशिश करा जो भी तो एक्सप्लोर किया वधिया वधिया जो भी तुम दिखाया विजिट किया आप दिखा सकी। ब्लॉग में लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, कोई गलती हो माफ़ करो क्योंकि अनजाण बच्चे हाँ, बाबा जी का इतिहास बारे ज़्यादा नहीं जान सकते क्योंकि इतिहास गुरु पातशाह का बहुत डूंगा। सो इतें ब्लॉग का एंड है जी। सत श्री अकाल जी सारे, बाय बाय बाय, लव यू ऑल।